अब गुना आए हैं तो समोसे कचौरी मध्य प्रदेश की खासियत है और गुना की समोसे की दुकान ये बड़ी फेमस है। आपके यहाँ गर्मा गर्म समोसा तल रहा है और गर्मा गर्म चर्चा तो चुनावों को लेकर भी हो रही है, कौन अब की यहाँ से बाजी मारेगा? लगभग सिंधिया ही जा रहा है। हाँ, ज्योतिरादित्य सिंधिया ही जीत रहा है। क्यों? अरे अब वो तो हवा है, मोदी सरकार चल रही है। आपको क्या लग रहा है, कौन काम कर रहा है? मोदी जी अच्छा काम कर रहा है। क्या अच्छा काम किया? सारी सुविधाएं, जो सुविधा विकास कर रहा है, विकास मिल रहा हो इसलिए जनता उन्हें चाहती है। दाल कचौरी के भीतर की दाल महंगी हो गई है। हाँ, दाल महंगी हो गई है, कचौरी भी महंगी हुई। अब कचौड़ी महंगी नहीं हुई, दाल महंगी, कचौरी लेकिन उतनी है। हाँ, उतनी है। चुनाव में भी महंगाई मुद्दा है। हाँ, महंगाई मुद्दा है बिल्कुल। अब देखो अब कौन जीतता है, कहीं सस्ता करवा दे मोदी जी। युवाओं के मन में क्या मुद्दे जी? मेरा सबसे पहला मुद्दा गुना के लिए है कि गुना में महिलाओं के लिए कहीं पर भी टॉयलेट उपस्थित नहीं है। टॉयलेट उपस्थित है तो उनके गेट टूटे हुए पड़े हैं। बात की जाती है महिला सम्मान की। क्या बेस्ट आपको लगता है? अरे मोदी जी से बेस्ट कोई है ही नहीं अभी तक। कौन सा प्रधानमंत्री अच्छा बना मुझे बता दो आप, इतने साल बीत गए अभी तक कोई अच्छा प्रधानमंत्री बना क्या? सब जगह घोटाले हुए, सब जगह गड़बड़ हुई मोदी। लेकिन कांग्रेस तो कह रही है कि लोकतंत्र को खत्म कर रही है भाजपा। कहाँ से खत्म कर रही, लोकतंत्र तो कांग्रेस ने खत्म किया।